हेलो एवरीवन, नीट एमिशेस पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी मिठाई, जिसे बनाने के लिए हमें बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत है। और इसके लिए हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, कोई मावा नहीं चाहिए, एकदम सिंपल चीज़ों से ही ये बन जाएगी। ये एक साउथ इंडियन रेसिपी है जो कि अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन हम इसे इस तरह से बनाएंगे कि ये देसी मिठाई भी विदेशी मिठाई की तरह स्वाद लगेगी। तो आप भी इसे मेरी स्टाइल में बनाइएगा। तो चलिए जल्दी से हम ये टेस्टी रवा पालू बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में हम डालेंगे 1 कप सूजी यानी कि रवा। मैंने यहाँ पर मोटी वाली सूजी इस्तेमाल की है, अगर आपके पास फाइन वाली सूजी है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे चीनी। तो यहाँ पर मैं 1/2 कप इसमें ये तगार मिला रही हूँ, ये जो लड्डू में हम डालते हैं वही वाली चीनी का मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल चीनी डाल सकते हैं या फिर चीनी को पीस कर भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे कि इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। साथ ही साथ इसमें अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 कप सूजी में 1 कप चीनी भी डाल सकते हैं। तो अब सूजी और चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बिल्कुल तैयार है, इसको हम साइड में रख लेंगे। अब आगे हमें इसके लिए दूध को गर्म करना है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 कप दूध। साथ ही साथ 1/4 कप दूध हमें इसमें और डालना है। तो ये देखिए 1/2 कप दूध मैंने इसमें और डाल दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फुल क्रीम या फिर ज़्यादा मलाई वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे मिठाई का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाएगा। अब हम गैस को ऑन करेंगे और अपनी मिठाई को फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ ये 2 दालचीनी के टुकड़े, सिनेमन स्टिक्स। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर इलायची डाल सकते हैं, लेकिन इलायची से इसका टेस्ट ऐसा आएगा जैसे कि आप हलवा खा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें दालचीनी डाल देंगे तो फिर इसका स्वाद बदल जाएगा। तो अब हम इसको जल्दी से गर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे ढक्कन से कवर करके गर्म कर रही हूँ। तो ये देखिए दूध में अच्छे से बॉयल आ चुका है, हमें इसको पकाना नहीं है, सिर्फ अच्छा सा इसका उबाल ले लेना है। तो अब हम गैस फ्लेम को एकदम धीमे आँच पर करेंगे और फिर जो सूजी में चीनी हमने मिलाकर रखी है वो हम इसमें डाल देंगे। अब क्योंकि हमने सूजी के अंदर चीनी मिला रखी है तो इससे एक फ़ायदा भी होता है, क्योंकि कई बार जब हम सूजी को दूध में मिलाते हैं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, लेकिन जब इसमें हम चीनी मिला लेते हैं तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। तो अब हमें इसे लगातार चलाते हुए इसके गाढ़ा होने तक पकाना है। यहाँ पर मैंने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है, बट अगर आप चाहें तो पानी में भी आप इसको बना सकते हैं। ये एक साउथ इंडियन रेसिपी है जिसे कि रवा अपालू कहते हैं, हम इसे सूजी के सिनेमन अपालू बोल सकते हैं, और इसको आप फ्राइड हलवा भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से सूजी के हलवे की तरह ही बनता है, लेकिन इसमें सूजी की भुनाई वगैरह नहीं होती है और घी वगैरह जैसी चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं होता है, ये काफ़ी आसान होती है। तो आप देखिए सूजी ने बहुत अच्छे से दूध को अब्जॉर्ब कर लिया है और मिश्रण काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है और पैन को इस तरह से छोड़ने भी लगा है। तो बस हमें इसे इतना ही कुक करना है। अब हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और अभी इसके अंदर गर्माहट है, काफ़ी ज़्यादा स्टीम है, तो ये अपने आप ही काफ़ी देर तक कुक होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे ढक्कन से कवर कर देंगे और 5 मिनट तक इसे हम इसी तरह से रहने देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद इस सूजी के मिश्रण को हम एक प्लेट में या थाली में निकाल लेंगे जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और ये जो दालचीनी के टुकड़े हैं ये हम इसमें से निकाल देंगे क्योंकि इनका अच्छा सा मीठा मीठा सा फ्लेवर इस मिश्रण में आ चुका है। तो ये मैंने निकाल दिए हैं, अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे इसी तरह से। इस मिश्रण को हमें इतना ठंडा करना है कि इसमें हल्की सी गर्माहट रहे जब हम इसे मसलें तो, और मसलते टाइम पर आप नोटिस करेंगे कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है क्योंकि सूजी दूध का सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेती है। अब ऐसे में जो अपालू है वो सॉफ्ट बने और अच्छे बने उसके लिए हमें यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी काम करना है, वो ये है कि हमें इसमें थोड़ा सा दूध मिलाना है ज़रूरत के अनुसार। तो ये मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, आप चाहें तो फिर से इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा इसमें डाल लेना है जितना की ज़रूरत हो इसको, और डालते ही हमें इसे हाथों से अच्छे से मसलना है। तो अभी आप देख रहे हो कि ये जो मिश्रण है काफ़ी ज़्यादा बिखरा बिखरा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको मसलेंगे वैसे वैसे ये सॉफ्ट होगा। तो ये देखिए धीरे धीरे ये मिश्रण डो की तरह इकट्ठा होने लगा है और हाथों पर भी ये अब ज़्यादा नहीं चिपक रहा है। तो इसे और भी अच्छा करने के लिए हम इसे इस तरह से डो की तरह नीट करेंगे। हमारा सूजी का ये जो डो है काफ़ी अच्छे से तैयार है, एकदम परफेक्ट है ये, ना तो ये ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही हार्ड है और एकदम स्मूथ है ये। तो इसी तरह का हमें इसे बनाना है।
तो अब हम अपने हाथों पर हल्का सा तेल लगा लेंगे, ज्यादा तेल बिल्कुल नहीं लगाना है। और इसमें से एक छोटा सा पोर्शन निकालेंगे और पहले हमें इसे हाथों में अच्छे से दबाते हुए कंबाइन करना है, और उसके बाद हथेलियों के बीच में हमें इसे इस तरह से चपटा करते हुए फैलाते हुए इसकी एक टिक्की टाइप बना लेना है। आप देखिए, ना तो ये ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, एकदम परफेक्ट है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमें इसके किनारों पर किसी भी तरह के कोई क्रेक नहीं आने देने हैं, कोई दरारें नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो ये सारे एक ही साइज में बने, उसके लिए आप इन्हें पहले बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद आप इन्हें शेप दीजिए। तो आप इस पर फोक की मदद से डिजाइन बना सकते हैं या फिर आप किसी टूथपिक का इस्तेमाल करके भी इसे अलग डिजाइन में बना सकते हैं। मैं फिलहाल इन्हें प्लेन ही रख रही हूँ और सारे अपालू हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये मैंने फटाफट से सारे रवा अपालू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमें इन्हें तेल में फ्राई करना है। तो इन्हें फ्राई करने के लिए हमें मीडियम हाई फ्लेम पर तेल को गर्म करना है, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम एक एक करके ये बनाए हुए रवा अपालू डालेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें कि ये ऑयल का टेम्परेचर बराबर बना रहे, उसके लिए आप इसमें एक साथ ज़्यादा पीसेस ना डालें। पहले आप 6 से 7 पीसेस ही इसमें डालें और इसे फ्राई होने दीजिए। तो अभी डालते ही हमें इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, क्योंकि ये इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद ही हम इन्हें चम्मच से रोटेट करेंगे और इनकी जगह से हिला लेंगे। बहुत ही अच्छे से इन पर कलर आ रहा है, और इसके ऊपर इतना अच्छा कलर आने का एक रीज़न इसमें डाली गई चीनी भी है। चीनी की वजह से ये काफ़ी जल्दी से कैरमलाइज हो जाते हैं, और इसमें जो चीनी है उसकी वजह से तेल में से निकालने के बाद भी इसकी कुकिंग होती रहेगी। तो इन पर जब इस तरह से लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा तब तक ही हम इन्हें फ्राई करेंगे, और अब हम इन्हें निकाल लेंगे तेल में से बाहर। अब तेल में हम फिर से और पीसेस डालेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो मेरी तरह इन्हें कढ़ाई में डीप फ्राई ना करके आप इन्हें पैन में कम तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, शेलो फ्राई कर सकते हैं आप इन्हें। साथ ही आप इन्हें जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे उतना ही ये बाहर से ज़्यादा क्रिस्पी होते जाएंगे और अंदर से ये थोड़े सॉफ्ट रहेंगे। तो आपको जैसे पसंद हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो इनके अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इन्हें तेल में से निकाल लेंगे। वैसे तो ये तेल में फ्राई होने के बाद भी ज़्यादा ऑयल को अब्सॉर्ब नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इन्हें तेल में से निकाल कर इस तरह से किचन टिश्यू पर रख रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने सारे मीठे मीठे रवा अपालू फ्राई कर लिए हैं और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और काफ़ी अच्छे ये दिख रहे हैं। तो आप इन्हें इसी तरह से खा सकते हैं, ये बाहर से एकदम क्रिस्पी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो मैं इन्हें थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ेदार बना रही हूँ, तो वो कैसे वो आप देख लीजिए। तो इसके लिए मैंने ये प्लेट में ली है थोड़ी सी बूरा चीनी यानी कि तकार, और इसमें मैं इन्हें अच्छे से कोट कर लूँगी। और इस तरह से इन्हें बनाने के बाद आप इन्हें आराम से 2 से 3 दिनों तक रख सकते हैं, और फिर जब आपका मन करे तब आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारी सूजी की बनी हुई एकदम टेस्टी मिठाई रवा अपालू नए तरीके से बनकर तैयार है खाने के लिए। और अगर देखा जाए तो इसमें हमें सिर्फ 3 ही मेन चीज़ों की ज़रूरत हुई है, और इसे बनाना कितना आसान है ये तो आप देख ही चुके हैं। साथ ही साथ ये अंदर से कैसे हैं ये भी आप देख लीजिए। ये देखिए, एकदम अंदर से सॉफ्ट है, बाहर से क्रिस्पी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी इस तरह से इसे बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए, सबको ये बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल ईटी अमीशस को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की रेसिपीज़ मिलती रहे। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस टेस्टी रवा पालू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईटी अमीशस।